फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पराठे, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में और दिखाएंगे कि इसे टेस्टी बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी। आलू के पराठे बनाने के लिए आधी किलो आलू लिए हैं, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसका कवर हटा दिया है। ये बॉईल आलू हैं। हमने आटा तैयार करा है, बहुत ही सॉफ्ट आटा है। सिर्फ आटे को तैयार करते वक्त हमने नमक का यूज़ करा है और एक सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। देसी घी में इस पराठे को बनाएंगे। आप चाहें तो ऑयल या बटर का यूज़ कर सकते हैं। दो प्याज, इन्हें हमने बहुत बारीक बारीक चॉप करा है। जितना बारीक करेंगे उतनी ही पिट्ठी अच्छी तैयार होगी और स्टफिंग पराठों में इजीली भर जाएगी। ये धनिया पत्ती बारीक चॉप करी है। दो हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा बहुत बारीक बारीक काट लिया है। दो लहसुन की कली ली है, इन्हें भी बहुत बारीक बारीक काटा है। लहसुन की कली जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन लहसुन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पराठों के अंदर। जीरा आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपने आलू के पराठे बनाने। स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी पिट्ठी बनाने से। तो ये हमने जो बॉयल आलू लिए हैं, इन्हें हमें मैश करना है। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी इजीली मैश कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं आलूओं को। तो मैं इन्हें हाथ से ही मैश कर रही हूँ। तो हमने आलू मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने सारे सामान, जो हमारी प्याज है, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी हरी मिर्च के अकॉर्डिंग डालिए। हरी मिर्च पराठे को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती है, इसलिए लाल मिर्च कम और हरी मिर्च ज़्यादा रखिए। मैं आपको हींग बताना भूल गई थी, तो थोड़ी सी हींग ले रही हूँ इसमें। धनिया पत्ती, और हमें नमक इसमें ऐड करना है। लेकिन नमक का आप ध्यान रखिए कि नमक हमने पराठों में भी डाला है, इसलिए हम पिट्ठे में पहले थोड़ा कम डालेंगे, फिर मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कम है तो आप बाद में और डाल लीजिए। चलिए, नमक हो गया, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इसको मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी। आलू के पराठों के लिए पिट्ठी जितनी अच्छी तैयार होगी उतने ही टेस्टी आपके पराठे बनेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी पिट्ठी एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर ली है और इसमें आलू की बिल्कुल भी गांठें नहीं है, सॉफ्ट पिट्ठी तैयार हो गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। बनाने के लिए हमारी आटा भी तैयार है, थोड़ा सा हमने सूखा आटा लिया है और हमारी पिट्ठी भी तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा। तो उसके लिए पहले हम आटे में से एक लोई ले लेंगे, जैसे रोटी की बनाते हैं उसी तरह एक लोई तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोई है वो जितने हम रोटी की बनाते हैं उससे थोड़ी सी हमें फालतू लेनी है। रोटी तो हम पतली सी बनाते हैं, पराठा थोड़ा बड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा आटा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लीजिए, ये हमारे पराठे की लोई बन गई है, इसे नीचे रखेंगे और इसे हल्का सा बेलेंगे। किनारियों को दबाते हुए बेलिए कि बीच से ना दबे, किनारियां दबे। इस तरीके का इतना सा ही सिर्फ हमें बेल के तैयार करना है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अभी यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे बीच में, उसे फैला लेते हैं
और अब हम अपनी पिट्ठी डालेंगे। मुझे पराठों में पिट्ठी थोड़ी ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूंगी। क्योंकि आलू के पराठे में अगर पिट्ठी ज्यादा होती है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे ऐसे किनारों को दबाते हुए इस तरीके से बंद कर लेंगे। थोड़े से चारों तरफ से दबाएंगे और इस तरीके से बंद करके ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, तो ये हमारे आलू की पिट्ठी भरने के बाद हमारा पराठे की तैयार है। अब इसे हम जो हमने सूखा आटा लिया है इसमें लगाएंगे। दोनों तरफ से अच्छे से और इसे रखते हुए बेलेंगे। पराठे को बहुत ही हल्के हाथ से बेलना चाहिए, नहीं तो इसकी पिट्ठी निकल जाएगी। ये हमारा एक पराठा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। तो हम तवा रखते हैं, उसे गर्म करते हैं। गैस पे अपना तवा रख लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें अपना पराठा जो हमने बनाया है वो डालेंगे। तवा एक तरफ से सिक गया है, तो हम इसे पराठा हल्का सा सिक चुका है इसे पलट लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सिक जाना चाहिए पराठा। अब हम इस पे अपना घी लगाएंगे। देसी घी से बहुत ही करारा पराठा बनता है। मैं आलू के पराठों के लिए घी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। अगर आप घी को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं थोड़ा कम रख सकते हैं, लेकिन इससे पराठे बहुत ही कुरकुरे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस साइड भी अपना घी लगा लेते हैं। अब गैस को कम करके इसे बहुत ही अच्छे से हम सेकेंगे। ये जो हमने बीच में घी लगाया था पिट्ठी डालने से पहले, उसकी वजह से हमारा पराठा अच्छे से फूल गया है। तो ये हमारा पराठा सिक के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बन गया है। इसी तरह हम अपने बाकी के सारे पराठे सेक लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये मेरे आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऐसे ही और इजी सिंपल और इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।